हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 5 के होंगे, जिस चैप्टर का नाम है एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डेफिनेटली उस वीडियो को चेकआउट करिएगा, क्योंकि वो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर मैंने इसके बेसिक्स जो है उसको अच्छे से समझाया है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 के जो क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन। उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, वाई आर ई बिजनेस एंड आउटसोर्सिंग रिफर टू एज द एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ट्रेंड। क्वेश्चन ये है कि ई बिजनेस और आउटसोर्सिंग, ये दोनों को एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस क्यों माना जाता है, और कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जो ये ई बिजनेस और आउटसोर्सिंग को ग्रोथ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हमको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में बताना है। सबसे पहला, business has gone numerous changes in the last decade and has evolved. business जो है वो बहुत सारे changes, dynamic changes के कारण जो है बहुत ज़्यादा evolved हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा developed और बहुत ज़्यादा change हो गया है। the manner in which business is conducted is known as mode of business. जिस manner में business को conduct किया जाता है, जिस तरीके से business को conduct किया जाता है, उसको बोलते हैं mode of business. e-business and outsourcing are known as the emerging mode of business as they have brought a revolution in the way business is conducted. अब e-business और outsourcing आने के कारण बहुत सारे लोग business houses को बहुत सारी help मिली, बहुत सारी facility मिली और बहुत सारे अच्छे profit कमाने के chances भी मिले, तो इसने जो है industry में बहुत बड़ा revolution यानी कि बहुत बड़ा changes लेकर आया है। e-business deal with conducting the business using internet. ये तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जहां पर वर्ड ई लिखा हो वहां पर हर चीज को आप इंटरनेट से रिलेट कर सकते हो। इट डील्स विद कस्टमर एंड सप्लायर्स ओवर द वेब। ऑल अदर मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेड बिजनेस कैन बी फाउंड लाइक इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सारी चीजें भी आप ई बिजनेस से कर सकते हो। तो यहाँ पर पहला जो पैराग्राफ है वो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है ई बिजनेस के बारे में। दूसरा बात करेंगे आउटसोर्सिंग के बारे में। आउटसोर्सिंग, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में जो एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में, सेम वही चीज यहाँ पर लिखी है। आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ हैंडिंग ओवर नॉन कोर फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नॉन कोर फंक्शन, अगर आप कोर फंक्शन को आउटसोर्स करोगे तो आपकी एक्टिविटी ट्रेडिंग एक्टिविटी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको नॉन कोर फंक्शन को आउटसोर्स करना है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जिसके पास एक्सपर्टाइज है उस एरिया में। इट रिड्यूस द कंपनी बजट फॉर मेंटेनिंग सच अ मैन पावर इन हाउस। एन ऑर्गेनाइजेशन इज बेनिफिटेड बाय द एक्सपीरियंस एफिशिएंसी ऑफ द एनहांस्ड कैलिबर ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि आपको इसके लिए अलग से मैन पावर जो है हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक एक्सपीरियंस और एफिशिएंट मैन पावर मिल जाएगा आउटसोर्स करने से, यानी कि आउटसोर्सिंग करोगे तो आपको क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी प्रोडक्ट की। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स की जो रिस्पॉन्सिबल है इस टाइप के ट्रेंड को, यानी कि आउटसोर्सिंग और ई बिजनेस को बढ़ाने के लिए कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। पहला, न्यू आइडियाज फॉर डूइंग वर्क अलॉन्ग विद सम इनोवेशन हैव ब्रॉट अबाउट इंप्रूवमेंट्स इन द बिजनेस प्रोसेस। नए नए टाइप के आइडियाज जो है वो डेवलप करने लगे हैं लोग और उसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने लगे हैं और उससे बहुत ज्यादा अच्छी प्रॉफिट कमाने लगे हैं। तो ये दोस्तों, नए आइडियाज को डेवलप करने के लिए आपको ई बिजनेस, आउटसोर्सिंग और बहुत ही अलग अलग टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है जिससे आपकी बिजनेस प्रोसेस इम्प्रूव हो। दूसरा, कंज्यूमर आर मोर अवेयर। कंज्यूमर जो है अब बहुत ज्यादा अवेयर हो चुका है, जागो ग्राहक, जागो वाले सिस्टम आ चुकी है, एंड द डिमांड फॉर हायर क्वालिटी, लोअर प्राइस, बेटर कस्टमर केयर हैव इंक्रीज्ड। अगर आप कोई भी गुड्स खरीदते हो मार्केट में तो आप तीन चीजें देखते हो, तीन चीजें। सबसे पहला, हायर क्वालिटी वाली रहनी चाहिए। दूसरा, उसकी प्राइस जो है वो लोअर रहनी चाहिए। तीसरा, उसका जो कस्टमर सर्विस है वो बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें के लिए भी हमें जो है इस टाइप के ट्रेंड्स को यूज करना पड़ता है। तीसरा, बिजनेस नीड टू इवॉल्व विद द न्यू टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू बी मोर प्रेजेंटेबल। बिजनेस आज के डेट में दोस्तों बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल हो गया है, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो गया है, और अगर आपने अपने बिजनेस को टेक्नोलॉजी से रिलेट नहीं किया तो ये प्रेजेंटेबल नहीं होगा और जल्दी आपका बिजनेस बंद होने के कगार पर आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए।
अगर आपको अच्छा लगे वीडियो देखने के बाद तो लाइक जरूर करिए। अब आते दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू में, इलेबरेट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ऑनलाइन ट्रेडिंग। ये तो आप सभी को पता होगा कि ऑनलाइन ट्रेडिंग में कौन से स्टेप्स अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला स्टेप, रजिस्टर फॉर ऑनलाइन शॉपिंग एंड सेटअप पासवर्ड टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ अकाउंट्स। जब आपको Amazon में या फिर Flipkart में या Myntra में, Zabong में, कहीं भी आपको कोई चीज परचेज करनी होती है तो सबसे पहले आपको उसमें अपना अकाउंट ओपन करना पड़ता है। चाहे फिर आप उसको गूगल से ओपन करिए, फेसबुक से ओपन करिए या फिर उसमें अपना अकाउंट क्रिएट करिए, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। उसमें आपका पासवर्ड सेटअप करना पड़ता है क्योंकि आपका अकाउंट जो है वो सेफ हो। आपकी अगर क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, डेबिट कार्ड की डिटेल्स उस अकाउंट के अंदर सेव है तो वो भी सेफ हो। तो इसीलिए सबसे पहला प्रोसेस आता है कि अपने आप को रजिस्टर करो उस शॉपिंग वेबसाइट पे। दूसरा, प्लेस एंड ऑर्डर द आइटम्स। अब अमेजोन में जब आप Amazon या Flipkart में जब आप अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेते हो, उसके बाद क्या करते हो, उसके बाद आप उसमें जो अपना ऑर्डर है उसको प्लेस करते हो, उसके बाद आप उसको पेमेंट करते हो। पेमेंट कैसे करते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। चाहे आप ऑनलाइन पेमेंट करो, फंड ट्रांसफर करो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का यूज़ करो और UPI का यूज़ करो, नेट बैंकिंग का यूज़ करो, चेक का यूज़ करो या फिर कैश ऑन डिलीवरी करो। तो ये जो है ये ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको खाली ये लिख के आना है कि आप अमेजोन से सामान कैसे खरीदते हो, सिंपल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में, ऑलरेडी दो क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, तीन क्वेश्चन और बचे हैं। तीसरा क्वेश्चन, इवेलुएट द नीड फॉर आउटसोर्सिंग, यानी कि आउटसोर्सिंग करने से हमारे को क्या क्या फायदे होते हैं और उसका लिमिटेशन बताना है कि क्या क्या नुकसान होते हैं। नुकसान तो दोस्तों मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूँ बिना पढ़े। आउटसोर्सिंग में नुकसान क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है ये आपको देखना पड़ेगा, आपकी क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप गुड्स इन हाउस बना रहे थे तब तक कोई टेंशन नहीं था, लेकिन जैसे ही आप गुड्स आउटसोर्सिंग करोगे तो हो सकता है कि आउटसोर्सिंग वाले ने आपको सैंपल अच्छा दिया हो लेकिन जब वो एक्चुअल डिलीवरी का समय आया तब उसकी क्वालिटी रिड्यूस की, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा, आपका जो डेटा है कि आप एक प्रोडक्शन प्रोसेस को कैसे यूज करते हो वो डेटा थोड़ा सा बाहर लीक हो जाएगा कि आपकी कंपनी कैसे कैसे टाइप के प्रोडक्ट्स यूज करती है, ये भी बाहर जो है मार्केट में इसकी चर्चा होने लगेगी। अब बात करते हैं सबसे पहले आउटसोर्सिंग का क्या मतलब होता है, ये मैंने आपको पहले भी समझा चुका है, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में वही लिखा है। और उसका एडवांटेजेस, ये भी एडवांटेजेस भी मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस वाला वीडियो नहीं देखा तो डेफिनेटली उसको देख कर आइए, वहां पर ये सारी चीजों को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू शिफ्ट फोकस ऑन कोर एरियाज दैट हेल्प्स देम कम अप विद मोर इनोवेशन इन द मार्केट। द वर्क दैट इज आउटसोर्स टू अ स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कट डाउन कॉस्ट इन बैक ऑफिस ऑपरेशन इफ द ऑफिस इज लोकेटेड इन देयर नेटिव कंट्री। द सेम वर्क विल बी मोर इकोनॉमिकल इफ इट इज आउटसोर्स्ड। क्या लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है कि अगर आपका लार्ज स्केल बिजनेस है तो आपको बैक ऑफिस में कॉस्ट रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आपके नेटिव कंट्री में आपकी ऑफिस लोकेटेड है जो कि यही काम करती है तो आप डेफिनेटली इसको मोर इकोनॉमिकल तरीके से आउटसोर्स करके अपनी प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज कर सकते हो और अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हो। इसके बाद आते हैं कुछ कुछ लिमिटेशंस है। सबसे पहला, इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। That are performing the function choose to share information with the rival organization। हो सकता है कि आपने जो चीज़ आउटसोर्स की अब उस आउटसोर्सिंग कंपनी ने आपके इंफॉर्मेशन को किसी और आपके कॉम्पिटिटर के साथ लीक कर दिया। दूसरा, क्वालिटी में जो है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है क्योंकि सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन मोर प्रॉफिट कमाना चाहती है, हो सकता है कि आपकी क्वालिटी रिड्यूस कर दे आपके गुड्स की। और तीसरा, अगर आप इंटरनेशनली आउटसोर्स कर रहे हो तो हो सकता है कि सोशल अनरेस्ट के कारण, यानी कि पॉलिटिकल अनरेस्ट के कारण, पॉलिटिकल पार्टी चेंज होने के कारण, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत सारे अलग अलग जो है चेंजेस आने के कारण आपके जो बिजनेस है उसमें बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। तो ये तीनों लिमिटेशन जो है आपको आउटसोर्सिंग में देखने को मिल जाएंगे। ये होता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पर खत्म। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर में। क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोलता है, डिस्कस द सेलियंट एस्पेक्ट ऑफ B2C कॉमर्स। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग बिजनेस मॉडल्स होते हैं। सबसे पहला होता है B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि होलसेलर टू रिटेलर। दूसरा होता है B2C, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि
नॉर्मल ट्रेडिंग, रिटेल ट्रेडिंग टू कंज्यूमर, तीसरा होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, फॉर एग्जाम्पल OLX जहां पर आप यूज आइटम बेचते हो। तो तीन टाइप की होती है, आपको याद रखना है, B2B, B2C, C2C, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये तीन टाइप की बिजनेस मॉडल होती है। तो यहाँ पर हमको B2C के बारे में पूछा है, तो हम यहाँ पर B2C को एक्सप्लेन करेंगे, बिजनेस टू कंज्यूमर। हियर आर सम ऑफ द सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ B2C कॉमर्स। पहला, इट प्रोवाइड द कंज्यूमर विद एक्सेस राउंड द क्लॉक विद द हेल्प ऑफ रीजनल एंड ग्लोबल सपोर्ट सेंटर। अगर B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर है, तो आपको 24/7 सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, अच्छे अच्छे आपके सपोर्ट सेंटर होंगे। और क्यों होंगे? क्योंकि उनका ओपिनियन ही आपकी फर्म का रेपुटेशन डिसाइड करेगा। अगर वो कमेंट करते हैं कि आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ये आपकी रेपुटेशन को चार चांद लगाएगा। लेकिन अगर वो कमेंट करते हैं कि आपने थर्ड क्लास प्रोडक्ट दिया, जिसकी पैकिंग अच्छी नहीं थी और जिसका जो क्वालिटी है वो बहुत बेकार था, तो आपकी रेपुटेशन वहीं खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर पहला B2C का जो सेलिएंट एस्पेक्ट है वो ये है कि यहाँ पर आपको जो है राउंड द क्लॉक हेल्प मिल जाती है। दूसरा, प्रोडक्ट्स कैन बी प्रमोटेड अक्रॉस ज्योग्राफीज, यानी कि आपके प्रोडक्ट जो है वो आप उसको इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल कर सकते हो, जिससे जो है आपकी कस्टमर की रीच जो है वो इंटरनेशनली हो जाएगी और आपको बहुत सारे अलग अलग कस्टमर्स मिल जाएंगे। तीसरा, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि अगर आपका इंटरनेशनल बिजनेस है या कोई भी बिजनेस है, आज के डेट में आप उसको ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हो, जैसे कि सोशल मीडिया और वेबसाइट से। तो ये एक बहुत अच्छी बात है B2C कॉमर्स के लिए। इसके बाद, द कंज्यूमर्स आर एबल टू पे यूजिंग मेनी ऑफ द अवेलेबल ऑप्शन सच एज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और कैश ऑन डिलीवरी, एंड ऑल्सो अट्रैक्टिव EMI ऑप्शन आर ऑल्सो प्रोवाइडेड। B2C यानी कि Amazon अगर बिजनेस टू कस्टमर सेल कर रहा है, तो अमेजोन को भी फायदा होता है। अमेजोन को दोस्तों एडवर्टाइजिंग कम करनी पड़ती है, वो अपनी रेंज बढ़ा सकता है, राउंड द क्लॉक सर्विस देता है, और साथ ही साथ आपको जो है बहुत ही अलग अलग टाइप के पेमेंट ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जैसे कि UPI हो गया, और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं EMI वगैरह के। तो ये दोस्तों सीरियल फीचर्स है। एक लास्ट है, कस्टमर्स कैन गेट प्रोडक्ट्स कस्टमाइज्ड टू देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर दोस्तों आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि नाइकी के शूज जो है, मैंने किसी वीडियो में देखा था, नाइकी के शूज अगर आप फॉरेन से इंपोर्ट करते हो, तो आप उस शूज पे अपना नाम एनग्रेव करवा सकते हो। कितनी अच्छी बात है, आप सोचिए, नाइकी के शूज स्पेशल एडिशन खाली आपके लिए बने, कुछ भी चीज आप उसमें लिखवा सकते हो, कुछ भी चीज एनग्रेव करा सकते हो। ये मैंने कहाँ देखा था मैंने देखा था ये उसमें मुंबईकर निखिल को, अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो मुंबईकर निखिल के ब्लॉग्स में मैंने देखा था कि जो नाइकी के शूज है उसमें उसने अपना नाम एनग्रेव कराया था। तो उसने अपने टेस्ट और अपने प्रेफरेंस के अनुसार अपना जो प्रोडक्ट है उसको कस्टमाइज करा लिया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर पांचवा और आखिरी क्वेश्चन, डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि अगर आप ई बिजनेस कर रहे हो तो आपको कौन सी चीजों को फेस करना पड़ेगा, और क्या इस चीजों को फेस करने की वजह से आपका बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा या ई बिजनेस बंद हो सकता है, आपको इस बारे में बताना है। सिंपली आपको ये बताना है कि कौन सी प्रॉब्लम्स आती है ई बिजनेस करने के लिए, और उस प्रॉब्लम से क्या हमारा ई बिजनेस बंद हो जाएगा। इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है कि हमारा बिजनेस कम हो जाएगा, या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहती है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात, कौन से लिमिटेशंस होते हैं ई बिजनेस के, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ बिजनेस के। पहला, सिक्योरिटी इज वन ऑफ द एरिया वेयर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ बिजनेस इज प्रोन टू गेट थ्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ फिशिंग, अननोन सेलर्स, वायरस अटैक्स, लीकेज ऑफ कार्ड डिटेल्स। सबसे पहला सिक्योरिटी का फ्लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ दिन पहले डोमिनोज पिज्जा ने पिज्जा का जो क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स था वो लीक हो गया था। तो वहां पर दोस्तों लीकेज ऑफ कार्ड डिटेल्स, फिशिंग यानी कि कोई आपसे फ्रॉड कर सकता है, अननोन सेलर यानी कि हो सकता है कोई आपको फेक आइटम्स बेच रहा हो, या फिर वायरस का अटैक, एंटी वायरस, आप इसीलिए डलवाते हो ना क्योंकि आप वायरस से बच पाओ। तो यहाँ पर वायरस जो है आपके स्मार्टफोन में, आपके कंप्यूटर में, उसको इंजेक्ट करके आपके डेटा को लीक किया जा सकता है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न होता है ई बिजनेस में। दूसरा, देर इज लैक ऑफ पर्सनल टच इन ई कॉमर्स अनलाइक ट्रेडिशनल बिजनेस एज बायर एंड सेलर आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ परचेसिंग द प्रोडक्ट।
यहाँ पर पर्सनल टच बहुत कम होता है, यानी कि आप अपनी टेक्निक से, अपने मार्केटिंग टेक्निक से किसी बायर को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसके साथ बात नहीं कर सकते, आप उसके कस्टमर प्रेफरेंस को नहीं समझ सकते, आप ये नहीं समझ सकते कि उसका बार्गेनिंग पावर क्या है। तो ये एक लॉस होता है कि यहाँ पर पर्सनल टच देखने को नहीं मिलता है। इन सम एरियाज पीपल स्टिल प्रेफर द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डूइंग बिजनेस, इसीलिए लोग कभी कभी ट्रेडिशनल मेथड पे भी जाते हैं, क्योंकि वो अपनी स्किल का प्रदर्शन जो है वो ई बिजनेस में नहीं कर पाएंगे, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में कर सकते हैं। तीसरा, ऑनलाइन बिजनेस रिक्वायर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन, और हमारे दादाजी, हमारी दादीजी, और कभी कभी हमारे फादर को भी जो है, फादर्स मदर्स को भी जो है, कंप्यूटर और स्मार्टफोन यूज करना अच्छा नहीं लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है कि वो कैसे इसको परचेज करे, कोई सर्विस को कैसे ले। ऑल्सो द इशू ऑफ सर्वर क्रैशिंग, इंटरनेट कनेक्टिविटी इज ऑल्सो ए टर्न ऑफ फॉर मोस्ट द कंज्यूमर्स। और ये बात भी है कि सर्वर क्रैशिंग और इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से भी लॉस हो सकता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा तगड़ा एग्जांपल देता हूँ, इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से लॉस कैसे होता है। दोस्त मैं आपको बताता हूँ, एक बिजनेस है जिसमें आपको वुड लॉग्स या वुड साइज जो बोलते हैं ना, जो जो ट्रीज को गवर्नमेंट काटती है रोड्स बनाने के लिए, उसके बाद उस ट्रीज को बेचा जाता है। तो उस ट्रीज को कैसे बेचा जाता है, ऑक्शन होता है, ऑक्शन होता है जिसमें बिडिंग होती है। तो जो ये बिडिंग प्रोसेस होती है, ये होती है ऑनलाइन। अगर मान के चलो आप इसको ऑनलाइन कर रहे हो, आपका वाईफाई कनेक्शन आपके लैपटॉप से कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर मान के चलो पावर कट हो गया, उस समय बिड देने के समय पावर कट हो गया, तब तब तो आपको नुकसान हो गया, कोई और उस चीज को परचेज करके चला जाएगा, लेकिन आप रह जाओगे। ये दोस्तों एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था, ये मैंने खुद फेस किया हुआ है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब दोस्तों क्या ये सभी डिफिकल्टी की वजह से ई कॉमर्स बंद हो जाएगा? नहीं, क्योंकि फ्यूचर जो है वो ई कॉमर्स का ही है। तो डिस्पाइट ऑल दिस, ई कॉमर्स इज गेनिंग पॉपुलरिटी एज मेनी चेंजेस आर मेड बोथ ऑन द टेक्नोलॉजिकल फ्रंट एंड एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट इंटरनेट इनेबल्ड टेक्नोलॉजीज, यानी कि बहुत सारी पब्लिक जो है इंटरनेट इनेबल टेक्नोलॉजी सीख रही है, और टेक्नोलॉजी फ्रंट को भी बहुत ज्यादा इजी बनाया जा रहा है। वेबसाइट आर मोर यूजर फ्रेंडली नाउअडेज, व्हिच मेक्स अप फॉर द लैक ऑफ पर्सनल टच। पर्सनल टच जैसे पहले होता था, अब उसको वेबसाइट पे डाला जा रहा है, और लोग वेबसाइट पे आकर आपसे पर्सनल कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। द पेनिट्रेशन ऑफ मोबाइल ब्रॉडबैंड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया विल बी हेल्पिंग द एक्सपांशन ऑफ ई कॉमर्स एंड ऑल्सो एनकरेज पीपल टू मेक परचेज। ब्रॉडबैंड या फिर मोबाइल इंटरनेट आने से बहुत ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है, जियो आने से बहुत ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है, यूट्यूब को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि यूट्यूब में अब आप जो है अच्छे खासे वीडियोस देख सकते हो, अच्छा खासा एजुकेशनल कंटेंट, अच्छा खासा एंटरटेनमेंट, अच्छे खासे गेम्स, स्पोर्ट्स, सभी चीजें जो है अब आप यूट्यूब पे दे सकते हो। तो ये जो ब्रॉडबैंड आया है, उससे भी बिजनेस का बहुत ज्यादा एक्सपांशन हुआ है, ई बिजनेस का। दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। हम ये सभी चीजें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आ रहे हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। आज के लिए इतने दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।